अगर आप बाज़ार से ब्रेड क्रम्स खरीदते हैं, पैकिंग का ब्रेड क्रम लेते हैं, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप घर में भी बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्रेश ब्रेड से। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम बनाएंगे फ्रेश ब्रेड से ब्रेड क्रम्स, वो भी घर पे बिना किसी ओवन की मदद के, ना ही सूरज की रोशनी में इसे सुखाने के लिए टाइम लगेगा। बिल्कुल झटपट बनके तैयार हो जाता है, रेडी टू यूज़ है। तवे को गरम किया है, गरम करके गैस को बिल्कुल स्लो कर दीजिए और एक एक ब्रेड को बिना एक दूसरे के ऊपर ढेर लगाए रख दीजिए। ब्रेड को हम बहुत ही ध्यान से सेकेंगे, बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होने देंगे। ब्रेड के बाहर वाले कॉर्नर को अंदर ले आएंगे और अंदर वाले कॉर्नर को बाहर ले जाएंगे। ऐसा करने से इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा। 5 मिनट एक तरफ सेक लेने के बाद दूसरी तरफ 2 मिनट सेक कर ब्रेड्स को खुले खुले ठंडे होने दें। फिर दूसरी तरफ हवा लगने दें, बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि इनका मॉइस्चर आराम से उड़ना चाहिए। जब मेरे सारे ब्रेड एक बार हो गए, उसके बाद मैंने सभी ब्रेड्स को उसी धीमी आंच पर वापस एक दूसरे पर रख दिया। देखिए कुछ इस तरीके की आवाज़ आनी चाहिए। ये जो सिम्फनी ऑफ क्रैकर्स आती है, ये बहुत अच्छी लगती है। अब आपकी मर्ज़ी है, कैंची से काटना चाहें, चाकू से काटना चाहें, या हाथों से ही सिंपली तोड़ लीजिए। इन ब्रेड्स को एक एक डेढ़ डेढ़ इंच के टुकड़ों में तोड़ करके एक ब्लेंडर में डाल लीजिए। बहुत ही आराम से बैठ करके इनको टुकड़ों में तोड़ लीजिए। बहुत आराम से टूट भी जाएंगे ये। बहुत अच्छी एक साउंड आनी चाहिए। जहाँ भी आपको लगे कि इस ब्रेड के अंदर साउंड नहीं आ रही है, ये थोड़ा खिंचा खिंचा सा जा रहा है, इसका मतलब इसे अभी थोड़ा सा और गर्म करके ठंडा करने की ज़रूरत है। ना बढ़िया, ये साउंड ही इतनी अपीलिंग है कि मन करता है कि घर पे ही ब्रेड क्रम्स बनाते जाओ। और फिर जब आपको कुछ फ्राइड बनाना हो, उसे इतना ही क्रिस्पी करना हो, तो आपको चाहिए होंगे। ये देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स बनके तैयार हुए हैं। अभी भी इनके अंदर हल्का सा मॉइस्चर आपको महसूस होगा। इसको बनाते के साथ ही पैक मत कीजिएगा, थोड़ी सी हवा लगने दीजिए, हवा भी इसके मॉइस्चर को कम करेगी। ऐसे ही थोड़े थोड़े ब्रेड्स कर करके आप ग्राइंड कर लीजिए। 3 से 4 एक साथ ही डालिएगा, उससे ज़्यादा मत डालिएगा। ये बल्की हो जाएगा क्योंकि ये एयर ज़्यादा लेता है, तो मिक्सी चलेगी नहीं, इसलिए छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं ताकि आराम से पिस जाए और बहुत ज़्यादा चूरा ना बने इनका, एकदम पाउडर्ड फॉर्म में ना हो जाए। हमें ये थोड़ा सा बड़े चंक्स में चाहिए होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करने में ही अच्छा टेक्सचर आता है। तो ये ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए। आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ तो रिएक्शन दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।